हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए आज विकास लाइफ केयर पर चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विकास लाइफ केयर लिमिटेड जो कि BSE के वेबसाइट पर ₹4.88 शेयर ट्रेड कर रही है। अभी ये 20 अक्टूबर 2023 का है। प्रीवियस क्लोजिंग ₹4.88, ओपन ₹4.90, हाई ₹4.99 बनाया और लो बनाया ₹4.86। 52 वीक का हाई लो है ₹7.05 और ₹2.66। EPS यहाँ पर बता रहा है -0.01। इसमें जो अनाउंसमेंट हुआ है, ये न्यूज़पेपर पब्लिकेशन हो चुका है रिजल्ट, वो बता रहा है 19/10/2023 को। और कॉर्पोरेट एक्शन दो ही डेट पर 29/10/2021 को और 20/5/2021 को, जो कि राइट इशू लाया था। और जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बल्क डीलिंग 11/9/2023 को भी हुआ था। सेल क्वांटिटी 72,45,000 किया था और बाई किया था 30,78,000। रिजल्ट इस तरीके का है। और यहीं पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं सितंबर 2023 का। तब प्रमोटर 11.40% है और पब्लिक के पास में 80.60% है। और इसमें ट्रेडिंग क्वांटिटी जो हुआ था 20 अक्टूबर 2023 को, तो ट्रेड हुआ था 26,87,189 शेयर का, जिसमें कि डिलीवरी में उठाया गया 15,48,106। डिलीवरी परसेंटेज रहा 57.61%। जैसा कि आपको स्क्रीनर पर दिख रहा होगा, तो इसमें है विकास लाइफ केयर का मार्केट कैप 704 करोड़ का, करंट प्राइस ₹4.90, 52 वीक का हाई लो ₹7.05 और ₹2.66, बुक वैल्यू ₹2.45 है। ROCE माइनस में 6.65%, ROE -5.93%, फेस वैल्यू ₹1 का है। करंट रेशियो 2.51, रिटर्न ओवर 3 मंथ्स का अगर देखेंगे तो 58.1% का है और 6th मंथ का अगर देखेंगे रिटर्न ओवर तो 55.6% का है। इंटरप्राइज वैल्यू 724 करोड़ का है, प्राइस टू सेल्स 1.51 का है। 1 ईयर का अगर चार्ट देखते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अब ये कंसोलिडेट मोड में है, तो कुछ समय कंसोलिडेट करेगा जब तक कि इसमें कोई न्यूज नहीं आता है मेरे आइडिया अनुसार। लेकिन दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो अपने सूझबूझ के अनुसार ही और अपने बुद्धि विवेक से ही, सजेशन सबका लीजिए, मेरा तो यही मानना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का जब समय आए तो उस वक्त अपने बुद्धि विवेक और सूझबूझ के साथ ही। इसमें प्रोज 3 है और कौन 3 है, पीयर कंपैरिजन अगर देखते हैं तो इस तरीके का टोटल कंपनी 109 है अभी, जो कि स्क्रीनर के वेबसाइट पे बता रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट सितंबर 2023 जो कि अभी हाल फिलहाल क्वार्टरली रिजल्ट आया है, इसमें जो है नेट प्रॉफिट बताया 7,65,00,000 का, जिसमें कि पिछले क्वार्टर में अदर इनकम अच्छा खासा हुआ था 11.62 करोड़ का, जबकि इस बार आया 6.71 करोड़ का। इसके वजह से ही
ईपीएस 5 पैसा है और पिछले क्वार्टर में 8 पैसा है। ये स्क्रीनर के वेबसाइट पे है। लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं तो ईपीएस -2 पैसा है और नेट प्रॉफिट जो कि माइनस में 1 करोड़ हुआ था। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट देखने से लगता है कि कंपनी कुछ ना कुछ करेगी फ्यूचर में, क्योंकि शेयर कैपिटल 144 करोड़ का है जो कि मार्च 2021 में 66 करोड़ का था, बढ़ करके मार्च 2022 में 110 करोड़ का हुआ, फिर मार्च 2023 में 144 करोड़ का हो गया, तो बढ़ते क्रम में है। अभी मार्च 2023 में स्थिर हुआ है और रिजर्व इसके पास 208 करोड़ का हो चुका है जो कि मार्च 2021 में रिजर्व कुछ भी नहीं था जबकि ब्रोइंग 42 करोड़ का था, और सितंबर 2023 में 2008 करोड़ का रिजर्व है और ब्रोइंग मात्र 26 करोड़ का है, यानी कि ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी इसको माना जाएगा। अदर लाइबिलिटीज 79 करोड़ का है, तो 2021 मार्च 2021 के अनुसार तो बढ़ा है लेकिन पिछले 2 सालों से ये घटते क्रम में अदर लाइबिलिटीज। और इसमें फिक्स एसेट जो होता है वो भी मार्च 2021 से बढ़ते क्रम में है, अभी के समय में 57 करोड़ का फिक्स एसेट है और इन्वेस्टमेंट ये 89 करोड़ का कर चुका है। टोटल एसेट 457 करोड़ का है पिछले साल के, मतलब पिछले क्वार्टर के अपेक्षा मार्च 2021 के अपेक्षा इसका टोटल एसेट में बढ़ोतरी मात्र 3 करोड़ का हुआ है, लेकिन ऊपर में आप देख चुके हैं बोरोइंग घटाया है जबकि अदर लाइबिलिटीज भी घटाया है और फिक्स एसेट बढ़ाया है। तो किसी भी कंपनी का एसेट का बढ़ना पॉजिटिव माना जाता है मेरे आइडिया अनुसार। नेट कैश फ्लो 2 करोड़ का शो हो रहा है इस पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा कि प्रमोटर के पास में 11.40% और पब्लिक के पास में 88.59% और 0.02% है FIH के पास में। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 544,435 हो चुका है टोटल। जैसा कि google.com पर 4 न्यूज शो हो रहा होगा जिसमें कि Q2 रिजल्ट 2023 केमिकल स्टॉक लॉस 200% ईयर ऑन ईयर जंप इन नेट प्रॉफिट इन Q2 शेयर्स, तो ये मिंट पे है। निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली विकास लाइफ केयर ने जारी किए नतीजे, शेयर खरीदेंगे आप, इस तरीके का है द इकोनॉमिक टाइम्स। और तीसरा है महाराष्ट्र नामा पे विकास लाइफ केयर शेयर प्राइस 5 रुपया चा पेनी शेयर खरीदी करनार विकास लाइफ केयर। और तीसरा एक है विकास लाइफ केयर पोस्ट ओवर 2-fold जंप इन Q2 प्रॉफिट। जैसा कि एक नज़र इधर में भी देख लेंगे, विकास लाइफ केयर IGS ये विकास लाइफ केयर फाउंडेड जब हुआ था तो 1995 में हुआ था, हेडक्वार्टर इंडिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है 59 है 2023 के अनुसार। अब सब्सिडियरी कंपनी जो है जेनेसिस गैस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और भी है, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल इतना ही। जैसा कि दोस्तों ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा निफ्टी 50 19,542.65 डाउन कितना हुआ -82.05 परसेंटेज में क्या है 0.42, ठीक, तो ये डाउन हुआ है, तो इस पर भी इफेक्ट डालता है निफ्टी 50 का असर। हालांकि
उतना रिलेशन नहीं रखता है। स्टॉक अगर मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो ज़्यादा नहीं गिरता है कोई भी स्टॉक। इस तरीके का कंडीशन देखा गया है शेयर मार्केट के हिस्ट्री में। जैसा कि आपको दिख रहा है, विकास लाइफ केयर लिमिटेड 4.90 रुपया, प्रीवियस क्लोजिंग 4.90 रुपया, ओपन 4.90 रुपया, हाई 5 रुपये और लो 4.85 रुपया। अब ट्रेडेड इन्फॉर्मेशन, ट्रेडेड वैल्यूएशन, तो जैसा कि दिख रहा होगा शेयर्स में है 1,01,57,732। ट्रेडेड वैल्यू जो है 500.78 लाख का और टोटल मार्केट कैप 70,409.74 लाख में है। फ्री फ्लोट मार्केट कैप ये भी लाख में ही है, 62,664.67। डेली वोलेटिलिटी 3.86, एनुअल वोलेटिलिटी 73.75। इस पर भी 52 वीक का हाई लो, जो कि हाई 7.05 रुपये, 2.70 रुपये। यहाँ सेल क्वांटिटी 2,96,646 का अभी भी लगा हुआ है, जो कि 4.90 रुपये पर है, तो सेलिंग प्रेशर है अभी। इस पर जो डिलीवरी पोजीशन है 20 अक्टूबर 2023 का, तो क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ था 1,01,57,732, जबकि डिलीवरी क्वांटिटी हुआ 46,30,940 और परसेंटेज रहा 45.59%।